Dr. Priyanka Ji Chaudhary, UAP Chairman Barmer, Jitendra Singh Ji, Nirunji Paliwal, ex-Jile ki party ke ikam, Barmer Jumme ke Sri Karika Bandugan, aur Shiti Chuli, Ambedkar Bajati ke Parbhari, aur Patrakar Bandugan. Bas, Mrega, Nasi, Vasundhara Ji ki bhavna hai, aur agle Vasundhara Ji ne jo hai, रिफाइनरी का जो अनाउंसमेंट अलोत्रा में जो है उसका एमओयू अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होने जा रहा है और साथ साथ में आदरणीय नितिन जी गडकरी जो भारत सरकार के जो राजनीति मंत्री है उनमें जो कार्यकर्ताओं में हर्ष और जोश है उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं भी अभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और धोरिया में भी अम्बेडकर जयंती मनानी है तो मैं ज्यादा इस बारे में नहीं बोल करके और आप सबको मेरा नमस्कार। भीमराव जी भारत को संविधान बनाने में पूरा जोर दियो और आज भी जो पॉलिसीज है सरकारी वे भी उन्हीं के मार्ग पर चल रही है। अपना मोदी जी बहुत प्रोग्राम दूसरे बात अपना बाबू जी पहला तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके काफी पॉइंट लिखा गया है। दूसरी बात अब पूरा भारत में राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आए पहली बार आपको भी आगे कार्यक्रम में जाना है अपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सब एमपीज़ को राज्यसभा लोकसभा सभी एमपीज़ को एक दिन के प्रवास के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और जाकर एक दिन का ओवरनाइट रात्रि विश्राम करना और इसलिए हम सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट करे हैं। मेरे को बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करा है। मेरा पहला मौका है बाड़मेर आने का तो मुझे बड़ी खुशी है और जब भारत का संविधान बना तो उन्होंने जो नींव रखी है वही नरेंद्र मोदी का के वही हम आज भी उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और जो जितनी भी योजनाएं हैं करीब 93 योजनाएं हैं सेंटर की उनको समाज के हर वर्ग को और आखिरी आदमी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार परफॉर्मेंस के ऊपर चल रही है। अभी आपने देखा यूपी के इलेक्शन अभी पूर्ण हुए एक ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें जो जातिवाद और तुष्टिकरण परिवारवाद ये सब समाप्त हो गया है। ये पहली बार एक भारत में एक बहुत टर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जबकि सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबने वोट दिया है।